हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता, जो रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस क्लास के अंदर हम टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो गाइस, इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा कि जिससे कि आपको इस क्लास से फायदा मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, इसमें अपन को क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जैसे कमरा है, कमरे से क्या बनता है, घर बनता है, उसी प्रकार से जो विश्व है वो किससे बनेगा। क्वेश्चन मार्क अपन को दे रखा है, तो विश्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखूं तो विश्व किससे बनेगा, आदमी से थोड़ी बनेगा, नहीं, सूर्य से भी नहीं, हवा से नहीं, विश्व जो बनता है वो राष्ट्र से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ठीक है, नदी क्या होती है, बहना, नदी क्या होती है, बहती है, तो बंधा होना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखूं कि क्या बंधा हुआ होता है, ठीक है, नहर की मैं बात करूंगा, तालाब, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरे को सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। जिस प्रकार जो नदी का पानी है वो क्या होता है, बहता रहता है, उसी प्रकार जो तालाब का पानी क्या होता है, बंधा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, 8 से मेरे को 448 बनाना है, तो किस प्रकार से मैं बना सकता हूं, 8:448 7:7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं 7 को किस प्रकार से बनाऊं, जो पैटर्न मैं यहां पे लागू करूंगा वही पैटर्न यहां पे लागू होगा, ठीक है। तो 8 से मैं 448 कैसे बना सकता हूं, अगर मैं 8 का क्यूब करूं, 8 का क्यूब करने पर मेरे को प्राप्त होते हैं 512, यहीं पे अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं तो निकल के आता है 64, इनमें से मैं अगर माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, 448 जो अपन के यहां पे दे रखा है। यही मैं पैटर्न 7 के अंदर भी फॉलो करूंगा, तो 7 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो निकल के आता है 343, ठीक है, और 7 का स्क्वायर करता हूं तो आता है 49, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो निकल के कितना आएगा, 294। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर 294 है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार का पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। तो 343 से मैं 10 कैसे बना सकता हूं और 416 से मैं क्या बनाऊंगा, यह अपन को पूछा गया है कि 343:10 समानुपात 416:1 क्वेश्चन मार्क। अगर 343 को मैं अगर इस तरह से लिखूं, अगर इनका मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो नहीं होगा, 10 तो नहीं बन रहा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, 3+4+3 तो कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, बिल्कुल। यही अगर मैं पैटर्न 416 के अंदर मैं करूं तो क्या निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर को बी दिखाई दे रहा है 11, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बुरा अनुपात अच्छा समानुपात फर्श अनुपात क्वेश्चन मार्क। बुरा का जो संबंध है वो किससे है, अच्छा से। बुरा का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, अच्छा हो गया। अगर मैं फर्श की बात करूं, फर्श का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, छत होती है। आपने अपने कमरे की जो फर्श देखा होगा, ठीक है, उसका जो अपोजिट होगा वो इसको क्या होगा, छत ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बिल्ली अनुपात म्याऊं समानुपात घोड़ा अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है, सुना होगा बिल्ली की आवाज, उसी प्रकार से घोड़ा किस प्रकार से करता है, घोड़ा क्या करता है, दहाड़ता है, गिगल करता है, कटकटाना या हिन हिनाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा घोड़े को भी, घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाना,
तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो बिल्ली का रिलेशन इससे है वही घोड़े का रिलेशन किससे होगा, इससे होगा। ओके, साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बकरी का जो संबंध है वो इससे है तो ऊंट का संबंध किससे होगा, यह पूछा गया है। बकरी, बहुतों ने बकरी देखी भी होगी और कईयों के घरों में तो है भी है, तो बकरी क्या करती है, मिमियाना करती है, ठीक है। उसी प्रकार से ऊंट क्या करता है, ऊंट जो करता है वो करता है घुरघुराना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऊंट क्या करता है घुरघुराना, जिसे बकरी करती है ना म्या, उसी प्रकार से ऊंट क्या करता है घुरघुराना। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य का जो संबंध है वो जूल से है, कार्य के मात्रक की बात की गई अगर यहां पे, अगर यूनिट की बात की जाए मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। उसी प्रकार से शक्ति का जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट की मैं बात करूंगा यहां पे, ठीक है, तो वो क्या होगा हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसी प्रकार के ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को अपन को चुनना है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 8:728 समानुपात 6:? क्वेश्चन मार्क, 8 से मैं 728 कैसे बना सकता हूं, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं, ठीक है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 हो रहा है, यहां से 728 है, ये तो नहीं बन रहा। अगर मैं कुछ इस प्रकार से करूं, 8 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 72, और ये 8 जो अपना है वो यहां पे मैं लिख देता हूं तो क्या निकल के आ गया 728। यही पैटर्न मैं इसमें अगर फॉलो करूंगी, 7 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा, 7, इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ गया 42, और ये 6 को मैं अगर यहां पे लिखूं तो क्या निकल के आएगा 426। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेरे को 426 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार का पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो किया गया है। अगले क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को, 6:21 3:? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है। अगर 6 का स्क्वायर कर दो 36, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर 6 से मेरे को 21 बनाने हैं, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस से अभी ये सोल्व नहीं हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, 6+21 को अगर मैं एड करके लिखूं तो होगा 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से मेरे को यहां पे ऐसा कुछ बनाना है जो क्यूब में हो, ठीक है। क्या बना सकता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखूं, 27 में अगर मैं 3 ऐड करूं 30 हो रहा है, किसी का क्यूब नहीं बन रहा, नहीं। 41 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं, किसका क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा, 44 का कोई क्यूब थोड़ी होता है, 25 का भी नहीं हो रहा। अगर मैं 61 पे जाऊं, अगर मैं यहां पे क्या लिखूं कि मेरा क्यूब बन जाए, ठीक है, अगर मैं यहां पे 61 लिखूं, इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो रहा है, 64, बिल्कुल हो रहा है। 64 किसका क्यूब हो सकता है, 4 का क्यूब, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को, 4:36 7:? क्वेश्चन मार्क, 4 से मेरे को 36 बनाने, किस प्रकार से मैं बना सकता हूं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, 4 के अंदर मैं 2 ऐड करके लिख दूं, 4+2 कितना हो गया, 6,
इसका अगर मैं स्क्वायर कर दू तो क्या होगा 36। अगर यही मैं पैटर्न इसके अंदर फॉलो करूं कि 7 के अंदर मैं प्लस का 2 ऐड कर दूं, ये कितना हो गया 9, और इसका अगर मैं स्क्वायर करके लिखूं तो क्या निकल के आ गया 81। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, समझ में आ रहा आपको? अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है क्या करना है। 43.08 अनुपात 77.71 समानुपात 94.03 अनुपात क्यों समान। इससे मेरे पे इस प्रकार का संबंध बना सकता हूं। इसका इस प्रकार संबंध कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया। क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, संख्या बड़ी है, यहां पर भी बड़ी संख्या है, यहां पर बड़ी संख्या है, तो क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन होगा, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिखूं तो नहीं हो रहा, बिल्कुल मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं कि 4 + 3 + 0 + 8 कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, इनका ऐड करूं, तो क्या निकल के आ गया 7 + 0 + 7 + 1 कितना निकल के आ गया 15। मीन्स कि इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो इसका भी 15 बन रहा है टोटल, और इसका भी 15 बन रहा है सिंगल डिजिट का, ठीक है। तो इनको ऐड करने पर क्या बनेगा, 9 + 4 + 0 + 3 इनको ऐड करने पर बन रहा है 16। तो कौन से ऑप्शन में देखूंगा कि कौन से ऑप्शन होगा और अपना सही आंसर कि जिसके अंदर जो डिजिट है उनका योग क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं। ऑप्शन अगर मैं बी की बात करूं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, बिल्कुल। ऑप्शन सी के अंदर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, तो ऑप्शन सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है 446:223 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 413। तो इसमें क्या किया गया है, अपन को 223 से 446 की तरफ जाना है। आपको पता चल रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका डबल किया गया है। 223 का डबल 446 होता है, उसी प्रकार से 413 का जो डबल होगा वो क्या होगा, 826। बिल्कुल कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया वो क्या गया, डबल वाला। इसका मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, जो निकल के आ गया वही अपना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है 236:12 समानुपात 625:236। 236 से अगर 12 जा रहा है, मींस कि ज्यादा से क्या हो रहा है, कम की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा। अगर मैं कुछ इस प्रकार से करूं, 2 × 3 × 6 करने पर कितने निकलते आ गया, 36। 36 में डिवाइड 3 करता हूं तो क्या निकल के आ गया, 12। बिल्कुल 12 बन रहा है। यही मैं पैटर्न 625 के अंदर फॉलो करूं तो 6 × 2 × 5 कितना निकल के आ गया, 60। 60 में 3 का अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या निकल के आ गया, 20। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर संख्या छोटी से बड़ी की तरफ जा रही है तो क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, ऐड हो सकता है उसके अंदर, और माइनस का सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर संख्या छोटी, अगर संख्या बड़ी से भी बड़ी से छोटी की तरफ जा रही है तब भी यही इसी प्रकार का कोई पैटर्न फॉलो करेगा उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को, क्या करना है, 5 से मेरे को 38 बनाना है, तो किस प्रकार मैं बना सकता हूं। अगर 5
का मल्टीप्लाई मैं 7 करता हूं तो 35 हो रहा है, और प्लस के अगर मैं 38 कर दूं तो क्या बनेगा 38। चलिए यही पैटर्न मैं आगे फॉलो करूं, 9 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 63 हो रहा है, इसके अंदर प्लस का 38 करने पर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन के अंदर दही नहीं रखा है तो कैसे सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अगर मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकल के आ गया 40, 40 में 2 कम कर दिए मैंने तो बन गया अपना 38। यही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा कि 9 को क्या करूंगा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आ गया 72, 72 में से 2 कम कर दूंगा तो क्या निकल के आ गया 70। ऑप्शन में है बिल्कुल है सर, ऑप्शन बी में है तो बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके आई होप कि गाइज आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, उनके पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फरवरी अनुपात नवंबर समानुपात सोमवार। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि नवंबर, नवंबर से फरवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, नवंबर से फरवरी की तरफ गया तो कितना गया दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, अगर मैं प्लस का 3 करूं तो। यही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे, अगर सोमवार से, ठीक है, सोमवार से प्लस 3 करूं मैं तो क्या निकल के आ गया, सोमवार से पहले प्लस 3 करूं तो क्या निकल के आ गया, अगर मैं यहां पे शुक्रवार रखूं तो शनिवार इतवार सोमवार, शनिवार रविवार और सोमवार तो क्या निकल गया, गया? प्लस का 3 किया मैंने तो क्या हो गया ऑप्शन ए। ओके इजी और बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन देखिए अगला कि डॉक्टर का जो संबंध है वो स्टेथोस्कोप से है, वही जो संबंध मूर्तिकार का है वो किससे होगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो कान में कुछ इस प्रकार से लगाने वाला होता है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है, तो उसका जो संबंध होता है वो डॉक्टर से होता है, डॉक्टर क्या करता है उसी की हेल्प से जांचवात करता है, ठीक है। वही मूर्तिकार का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तलवार से, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे खुरपा, बिल्कुल नहीं, तो छेनी होती है वही मूर्तिकार का संबंध होता है, ठीक है, तो छेनी की सहायता से ही वो क्या करता है मूर्ति को तराशता है, तो ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, साइकिल अनुपात मैकमिलन समानुपात फाउंटेन पेन अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है, मैकमिलन क्या है, एक वैज्ञानिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होते और क्या कर देते हैं, या तो स्किप कर देते हैं या गलत कर देते हैं। तो साइकिल की खोज किसने की थी, मैकमिलन के द्वारा। वही फाउंटेन पेन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वाटरमैन के द्वारा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन पेन की जो खोज की गई थी वाटरमैन के द्वारा की गई थी, याद रखना। ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है, स्केटिंग का संबंध रिंग्स है, वही क्रिकेट का संबंध किससे होगा, ठीक है, स्केटिंग कहां की जाती है, रिंग के अंदर की जाती है, रिलेशन हो गया। वही क्रिकेट का जो संबंध होगा वो किससे होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अकाउंट की मैं बात करूं तो 5 से 10% बच्चे क्या लगाएंगे कि सर स्टेडियम होगा, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है, ऑप्शन ए भी लगाएंगे बच्चे, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्रिकेट, क्रिकेट के लिए कहां पिच, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिससे रिंग का संबंध किससे है, स्केटिंग से है, वही पिच का संबंध क्रिकेट से है। अगला है भारत अनुपात अशोक स्तंभ पद चिन्ह के बारे में बात की गई है, ठीक है, वही फ्रांस का जो चिन्ह है वो क्या होगा, वो होगा लिली, ऑप्शन ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके चलिए बात करते हैं, जो वेटल दे रखा है, वेटल किसका पदचिन्ह है,
वेटल की मैं बात करूंगा यहां पे तो ये है अमेरिका का, अमेरिका सॉरी ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का याद रखना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चमेले के फूल की मैं बात करूंगा तो ये पाकिस्तान का है, जिस प्रकार से भारत का अशोक स्तंभ है उसी प्रकार से पाकिस्तान का चमेले का फूल है। और जो गुलाब का फूल दे रखा है वो किसका है, यह है ईरान का। अगला है, जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान किसके लिए किया जाता है, पौधों के लिए, उसी प्रकार से कीट विज्ञान किसके लिए किया जाता है। सीधा सिंपल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर छुपा है, कीट विज्ञान दे रखा है तो किसके लिए किया जाता होगा, कीड़ों के लिए। ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचार अनुपात चिकित्सक समानुपात क्वेश्चन मार्क न्यायाधीश, तो क्या किया गया इसके अंदर, उपचार का जो संबंध है वो चिकित्सक से है, उसी प्रकार से न्यायाधीश का जो संबंध होगा वो किससे होगा, निर्णय से। न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय तो सुनाते हैं, निर्णय तो देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान अनुपात टोक्यो समानुपात अमेरिका, कंट्री दी गई है, ये तो हो गई कंट्री, ठीक है, ये होगी कैपिटल, ठीक है, तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है, बताइए इसका आंसर सही है क्या। जापान की अगर कैपिटल की मैं बात करूंगा तो टोक्यो होगा राइट, ठीक है, तो अमेरिका की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, चलिए बताइए कमेंट में इसका आंसर करें, कमेंट में क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताइए। जैसे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है, अमेरिका की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी। करना क्या है आपको, कंट्री है उनको याद करना है, उनके कैपिटल के बारे में याद करना है, उनकी करेंसी के बारे में याद करना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बच्चों को याद नहीं रहते और क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, ठीक है, ईजी है, कुछ नहीं है, कंट्री कैपिटल करेंसी, प्राइम मिनिस्टर भी कौन है यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान अनुपात जयपुर समानुपात बिहार अनुपात क्वेश्चन मार्क, देख के ही पता चल रहा कि क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार का रिलेशन है। जैसे राजस्थान की जो कैपिटल है वह है जयपुर, उसी प्रकार से बिहार की जो कैपिटल होगी वह क्या होगी, पटना। और नीतीश कुमार यहां के कौन है, मुख्यमंत्री है, यह भी ध्यान रख ले, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को अपन को चुनना है, 42 से 14, तो 56 से हम किस प्रकार का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, 42 को अगर मैं इस प्रकार से लिखू, अगर इनका मल्टीप्लाई करके लिखू तो 8 हो रहा है, अपन को बनाना है 14, नहीं होगा। 56 कैसे होगा, इसमें क्या किया गया कि 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं क्या निकल के आ गया, 16, उसमें से मैं 2 माइनस कर दूं, ये जो अपन को 2 दे रखा है ये मैंने माइनस कर दिया तो क्या निकल के आ गया, 14। यही पैटर्न अगर 56 के अंदर फॉलो करूं तो 5 का अगर मैं स्क्वायर करके लिखूं तो क्या निकल के आ गया, 25। 25 में से अगर मैं 6 कम कर दूं, माइनस का कर दो 6, तो क्या निकल के आ गया, 19। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एनालॉजी के, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इन्हीं के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगेगी,
अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंडी वीडियो की हैंडी क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।